आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और आज हम आपको एक बहुत ही प्यारे से नन्हे मुन्ने मेहमान से आपको मिलाएंगे। दोस्तों, हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना सा मेहमान आया है, बहुत ही प्यारा सा। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल भी हमारी वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, और हम आपको बहुत सारी चीजें और भी दिखाने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल। इधर चलो ना, इधर चलना। रुके हैं राज लक्ष्मी शॉप पे दोस्तों, हम मिठाई लेने वाले हैं पावर हाउस चौराहे पर, और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में है, मिठाई हमें लेनी थी तो हम मिठाई ले रहे हैं। मिठाई लेने के बाद हम सीधा हॉस्पिटल ही जाने वाले हैं। ये हमारा पावर हाउस चौराहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये लखनऊ का पावर हाउस चौराहा है। हस्बैंड और बच्चे हमारे गए हुए हैं मिठाई लेने अंदर, और हम बाहर खड़े हुए हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो हम अपनी गाड़ी के पास रुके हुए हैं, और अभी वो लोग अंदर से आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। बाहर खड़े खड़े मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि उमस वाली गर्मी हो रही थी, तो इसलिए हम भी शॉप के अंदर आ गए हैं। मिठाई वाली जो शॉप थी राजलक्ष्मी शॉप, उसी के अंदर हम आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने ले ली है ठंडी ठंडी लस्सी, जो कि पीने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। और हम पीते पीते ही चल दिए हैं गाड़ी पे, तो हम अपनी गाड़ी पे बैठ चुके हैं और अब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हम लोग रास्ते में हैं, ये थोड़ा सा रास्ते का वीडियो मैंने शूट किया है, तो ये हमने कैंट का वीडियो शूट किया है। कैंट हम लोग पहुँच गए हैं और अब हम हॉस्पिटल भी आ चुके हैं। हॉस्पिटल के गेट पे हम पहुंच चुके हैं और अब हम अंदर जाकर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है अंदर। अपने बाबू से मिलना है हमें, तो हम बाबू से मिलने के लिए जा रहे हैं, और ये बाबू की बुआ बैठी हुई हैं दोनों, ये लोग बाहर ही मिल गई हैं। और अब हम अंदर आ गए हैं, तो देख रहे हैं कि ये जो हमारी बेबी गर्ल है, ये अपनी नानी की गोदी में, दादी की गोदी में खेल रही है। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है मेरी छोटी बहन ने। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था मेरी सिस्टर का बर्थडे था, और जिस सिस्टर का बर्थडे था उसी सिस्टर को बेटी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी बिटिया हुई है, और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी मेहमान थे वो सारे आए हुए हैं, और बहन हमारी लेटी हुई हैं अभी। इनको रेस्ट ही बताया गया है, क्योंकि इनका सीजर हुआ है, तो इतनी जल्दी इनको अभी आराम तो नहीं होने वाला है, कम से कम 2-3 दिन इनको अभी लगेंगे। और ये बिटिया रानी अपने मौसा की गोदी में लेटी हुई हैं, उन्हीं के साथ ये लेटी हैं, और इनकी मम्मी इधर बेड पर लेटी हुई हैं। हम लोग बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, कि कब वो दिन आएगा कि ये बिटिया हम लोग की गोदी में खेलेगी। तो देखिए, ये बिटिया मामी की गोदी में है और बिल्कुल शांत हैं, बहुत सुंदर बेटी हुई है, बिल्कुल गोरी चिट्ठी सी बिटिया है, और सर पे इसके खूब सारे बाल भी हैं। मामा भी आ गए हैं, एक एक करके सारे मेहमान आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बिटिया के पापा नहीं आए हैं, वो बाहर हैं, तो उनके पास फ़ोन चला गया है, वो भी आ रहे होंगे, अभी रास्ते में हैं। अभी हम आए हैं कैफ़े में कोल्ड कॉफ़ी पीने दोस्तों, तो बैठे हुए हैं और हमने मोमोज़ भी मंगाए हैं, तो हम लोग मोमोज़ वगैरह खाएंगे। हॉस्पिटल में हम लोग आए हुए हैं, हॉस्पिटल गए थे, अभी हम बाहर आए हैं। हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही ये कैफ़े है जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, और अभी हम कोल्ड कॉफ़ी और मोमोज़ खाने के बाद उसके बाद हम फिर से हॉस्पिटल जाएंगे, और शाम तक हम लोग घर भी चले जाएंगे। थोड़ा सा हम आपको कैफ़े भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, बहुत बड़ा कैफ़े नहीं है, छोटा सा ही है। तो हम लोग अंदर आए हुए हैं और अंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए, हमारे पीछे फ़ैन चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, एसी भी नहीं चल रही है। और ये देखिए, ये इनका कैफ़े है, काउंटर वगैरह हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम लोग आए हैं विकास नगर में, यहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे मोमोज आ गए हैं, कोल्ड कॉफ़ी आ गई है। कोल्ड कॉफ़ी हमने ज़्यादा नहीं मंगाई है क्योंकि हमें नहीं पीनी है। और ये देखिए, बिटिया भी आई है हमारे साथ, ये भी बैठी है। तीन लोग आए हुए हैं अंदर और तीन लोग बैठे हुए हैं। तो मोमोज आ चुके हैं और मोमोज हम लोग खाएँगे। चटनी
ये देखिए बिटिया रानी अपने झूले में आ गई हैं, झूले में लेटी हुई हैं। हॉस्पिटल में इनके लिए झूला भी है जहाँ पर इनको लिटा दिया गया है दूध दूध पिला करके। और ये हमारे भाई की बेटी है और ये बहन की बेटी है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है इन दोनों को। बेबी को देख करके दोनों बहुत खुश हो रही हैं, क्योंकि छोटा बच्चा, छोटे बच्चे अगर बच्चा देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। और अब इधर इनकी एंट्री हो चुकी है, ये बिटिया रानी के पापा भी आ गए हैं। और इनके लिए तो आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि ये इनकी पहली बेटी है, पहला बेबी है इनके घर में जो आया है, और इनको बहुत खुशी हो रही है। ये अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए हैं दोस्तों। और इनके पापा जब आ गए हैं तब हम लोगों ने बेबी का वेलकम सेलिब्रेशन भी किया है, तो आप लोग देखिए खूब अच्छे से हम लोगों ने हॉस्पिटल में बेबी का वेलकम किया है इनके पापा के आने के बाद। क्योंकि पापा नहीं थे इसलिए हम लोग अभी कुछ नहीं किए थे, तो पापा जब आ चुके हैं 6 बजे उसके बाद ही वेलकम सेलिब्रेशन किया गया है। तो ये वेलकम का बोर्ड लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दीवार पे कहीं कील वगैरह नहीं है, तो सोचा विचारा जा रहा है कि किस तरह से हम ये वेलकम का बोर्ड लगाएंगे। तो दिखाई दिया है कि जिस पर वीगो लगा हुआ है उस पाइप में, और एक पाइप पीछे दिख गया है, तो यहाँ पर इसको बांध दिया जाएगा। और अब केक काट कर बेबी गर्ल का वेलकम किया जाएगा। तो मामा, मौसी, नानी, दादी, दादा, बुआ सभी लोग आए हुए हैं, मौसी मौसा भी हैं दोस्तों। हॉस्पिटल में केक काटने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, सारा सामान आ गया है, केक तो पहले ही आ गया था, और फूल वगैरह भी अभी इनके पापा लेकर के आए हैं, बुके लेकर के आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लेकर के आए हैं ये इनके पापा लेकर आए हैं। केक हम जब आए थे तो लेकर के आए थे अपने साथ में, तो ये भैया हैं हमारे जो कि डेकोरेट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो पा रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो हम लोग को एक साथ भीड़ इकट्ठा करने के लिए गुस्सा हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा भीड़ मत लगाइए। लेकिन हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि बस 5 मिनट में हम लोग बाहर हो जाएंगे, तो ये जल्दी जल्दी साथ जो जल्दी जल्दी वाला जो भी डेकोरेशन हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। और अभी केक भी काट दिया जाएगा, केक काट कर बेबी का वेलकम किया जाएगा और ये सेलिब्रेशन हमारा छोटा सा कर दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिटिया हैं हमारी जो कि केक कट करने जा रही हैं और अपने पापा की गोदी में हैं। चुका है और बिटिया रानी केक काट कर सो गई हैं, इनको नींद आ गई है, अपने पापा की गोदी में इनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये अपने पापा की गोदी में सो गई हैं और बेबी का वेलकम तो हो गया है और अभी मम्मा को बधाई देना बाकी है। तो इनके पापा मम्मा के लिए बुके भी लेकर के आए हैं और वो अभी इनको बुके भी देंगे, क्योंकि बेटी और माँ दोनों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, पापा के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। इन्होंने बुके वगैरह दे दिया है, तो आप देखिए कि ये तीनों लोग कितने खुश हैं। आज मेरी बहन के लिए बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, और ये बेबी गर्ल के पापा हैं ये भी बहुत खुश हैं। मेरी बहन का अभी अभी सीजर हुआ है, लेकिन इनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आपको देखने को मिलेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि इनका सीजर अभी अभी हुआ है, और ये बहुत खुश हैं क्योंकि इन्होंने बेटी को जन्म दिया है। बेटी को देख करके, बेटी का चेहरा देख करके इनका जितना भी दर्द था सारा चला गया है दोस्तों। तो ये आज का दिन इन दोनों लोगों के लिए बहुत ही खास है,
तो इसीलिए ये दोनों लोग बहुत खुश हैं। और भैया अभी अभी बाहर से आए हैं, लेकिन इनको देख करके भी कहीं से थकान नहीं लग रही है, ये भी बहुत खुश हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी को आप सभी लोग शुभकामनाएँ दें कि वो आगे बढ़ें, जीवन में खूब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और ये जो केक कटा था तो सभी लोगों को केक खिला दिया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है। सभी लोग अभी यहीं पर हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं, जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, हमको भी निकलना है। तो ये करीब 8 बजे के करीब हम लोगों ने केक वगैरह काट दिया था और 9:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल से निकल आए हैं, चले आए थे क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी।